नमस्कार किसान साथियों, अगर लगा लॉकडाउन तो फिर से आएगी सोयाबीन में तूफानी तेजी। किस तरीके से आएगी वीडियो में बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए मैं पूरा वीडियो बताऊंगा, पूरा विस्तार से बताऊंगा क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से दाम बढ़ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, पूरा वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि तीसरी लहर की संभावना बताई जा रही है। जानकार बता रहे हैं कि तीसरी लहर आने की संभावना थोड़ी थोड़ी बन रही है और लॉकडाउन फिर से लगाया जा सकता है। अगर लॉकडाउन लगता है तो बहकर तूफानी तेज़ी मिलेगी, क्योंकि उस समय पर क्या होगा किसान भाइयों, व्यापारी माल को खरीदेंगे ऊपर से ऊपर दाम में, अच्छे से अच्छे दाम में खरीदने की कोशिश करेंगे ताकि किसान अधिक से अधिक माल ला सके। ये प्रक्रिया कब होगी ये वीडियो के अंत तक बताऊँगा, किस दिन दाम बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके का माहौल बनेगा अगर किसी भी तरीके का तीसरी लहर की संभावना बनती है, या फिर लॉकडाउन बनाने की प्रक्रिया या ऐसा हो जाए कि कंट्रोल, बीमारी कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो उस दौरान क्या होगा कि तीसरी लहर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। अगर लॉकडाउन लगता है तो किसान भाइयों एकदम तूफानी तेज़ी सोयाबीन में देखने को मिलेगी। किस तरीके से मैं बता दूँ, क्या होगा कि उस दौरान व्यापारी अधिक से अधिक माल खरीद कर गोदामों में भरना चाहेंगे। किसान भाइयों उस दौरान किस व्यापारी सोया तेल का उत्पादन तो लॉकडाउन के में भी रहेगा, क्योंकि तेल को बंद नहीं किया जा सकता। तेल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत का सामान है, सभी देश के सभी लोग के तेल का उपयोग करते हैं। तो उस दौरान जो फैक्ट्रियां होती है तेल की उनको बंद नहीं किया जा सकता, इसलिए व्यापारी अधिक से अधिक माल खरीद कर गोदाम में भरना चाहेंगे। इसलिए ऊपर ऊँचे दाम लगा के माल खरीदेंगे, ऊँचे दाम लगाने से किसान अधिक से अधिक माल ला सके। ये प्रक्रिया उसी दौरान होगी किसान भाई, जिस दौरान लॉकडाउन की प्रक्रिया बनती है कि आने वाले 15 तारीख से लॉकडाउन लगेगा। तो आज अगर घोषणा होती है और 15 तारीख से लॉकडाउन लगेगा, तो इस दौरान जो बीच में समय होगा उस दौरान कीमत बहुत ही अच्छी मिल सकती है आपको सोयाबीन को। तो इस तरीके की प्रक्रिया बन रही है, अगर इस तरीके का कोई भी वो बनता है तो किसान भाइयों ध्यान रखें बहुत ज़्यादा। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम आपको साथ शेयर कर देंगे। अगर आपको मिलती है तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, अगर इस प्रक्रिया बनती है तो अगर आपको माल निकालना है, सोयाबीन निकालना है मंडियों में, तो आप निकाल दें, उस दौरान अच्छी कीमत आपको मिल सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नमस्कार।